हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और आ चुका है परी एक्वेरियम वन में, जो पहला शॉप है आरिफ भाई और अतिक भाई का। तो आज के वीडियो में ये होने वाला, थंबनेल और टाइटल से आप समझ गए रहोगे कि क्या है। तो आज बहुत सारी वैरायटीज आई है परी एक्वेरियम वन में, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जाके मिलते हैं आरिफ भाई से। तो आरिफ भाई, क्या बोलना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाम करूंगा, और इसलिए आप लोग का भाई आरिफ भाई आप लोग के सामने हाजिर है वीडियो के अंदर। आप लोग के बहुत सारे वीडियो देखे रहेंगे आप लोगों ने, तो इस चैनल के साथ में ऑफिस के साथ में अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। ये जो वैरायटीज मेरे पास अवेलेबल है, उस वैरायटी के ऊपर जो मेरे पास फीचर्स है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके प्राइसेस एंड वैरायटी कौन सी अवेलेबल है आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फिशेस आई हुए, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आरिफ भाई जिससे स्टार्ट करते हैं वो है बेटा फिश। तो पहले बेटा फिश दिखाएंगे आरिफ भाई। बेटा फिश से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन अपन एक एक फिशेस देखेंगे, हर एक का प्राइसेस और हर एक की साइजेस और कौन सी वैरायटी अवेलेबल है उसके ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट वैरायटी देख रहे हैं आरिफ भाई जो है बेटा फिशेस के। तो कौन से बेटा फिशेस आई है, क्या है, जरा इसके बारे में जरा व्यूअर्स को बताइए। बेटास के अंदर मेरे पास अभी एस प्रेजेंट में एलिफेंट ईयर एंड फुल मून वगैरह बेटा अवेलेबल है इसके अंदर। आप लोग को काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बेटास अवेलेबल है मेरे शॉप के अंदर। आप लोग एट ए टाइम आते हैं, आप लोग को पता भी है, साल के 12 महीने हमारे पास बेटा फिशेस होते हैं। कभी स्टॉक की कमी भी रहने के बावजूद भी हमारे पास बेटा रहते, हम लोग उतना स्टॉक में रखते ही है एट ए टाइम। तो आप लोग देखेंगे मेरे पास अच्छी क्वालिटी के बेटास है, 150 रुपीज से स्टार्ट है मेरे पास प्राइसेस, और 250-300 तक के रेंज में आपको बेटास मिल जाएंगे। अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वैरायटी के, डिपेंड होता है कि क्या साइज का और क्या क्वालिटी का बेटास आप बाय करते हो। आप लोगों को अभी जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो एलिफेंट ईयर है। एलिफेंट ईयर नॉर्मल मूनटेल के मुकाबले में ज्यादा एक्टिव होता है और ज्यादा मूविंग करता है फास्ट। इसकी फीमेल भी देखेंगे और मेल भी देखेंगे तो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नॉर्मल मूनटेल आपने देखे रहेंगे कहीं कहीं पे जगहों पर रुका हुआ रहता है, थमा हुआ सा रहता है, बट ये एलिफेंट ईयर की खासियत ये है कि वो ज्यादा एक्टिव रहता है। तो आप लोगों को ये भी मिल जाएगा अगर आप लेंगे तो 250 रुपीज के रेंज में आपको ये बेटा मिल जाएगा एलिफेंट ईयर। अगर आप फीमेल लेना चाहते हो तो आपको 200 रुपीज के रेंज में मिलता है। अभी तो फिलहाल में फीमेल का स्टॉक थोड़ा सा खत्म हो चुका है, ओनली फॉर मेल मेरे पास बचे हुए। यहाँ पे नेक्स्ट वैरायटीज अपन देख रहे हैं डिस्कस फिशेस की। तो कौन से डिस्कस फिशेस है, क्या प्राइस है और क्या साइज में व्यूअर्स को मिलेंगे? इसके अंदर 2.5 इंच का रेंज है इसके अंदर डिस्कस का। इसके अंदर आप लोगों को इरप्शन मिल जाएगा, ब्लू डायमंड मिलेगा, चेकरबोर्ड मिलेगा इसके अंदर वैरायटी, और आप लोग को 700 इंच के हिसाब से मिलेगा ये डिस्कस, मतलब 1400 रुपीज पेयर में मिलेगा। अच्छी क्वालिटी के डिस्कस है ये, और डिस्कस चिकलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ, हर वीडियो में नॉलेजेबल थोड़ा सा देता ही रहता हूँ, तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा डिस्कस का नॉलेज देता हूँ। डिस्कस चिकलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। नॉर्मल आपने फ्लोरन पाला रहेगा, चिकलेट पाला रहेगा, उसी तरीके से चिकलेट और फ्लोरन जिस तरह से स्ट्रेस में चले जाते काले पड़ जाते, उसी तरीके से डिस्कस भी स्ट्रेस में आके काले हो जाते। तो आप इसको नॉर्मल मेथिलीन ब्लू नमक और हीटर से आप इसको रिकवर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। इसके अलावा डिस्कस की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, नॉर्मली 6 से 7 साल की लाइफ होती है। बहुत से लोग डिस्कस पालने के लिए डरते हैं, बट आप लोग इसको इजी तरीके से रख सकते हैं, बहुत अच्छी मच्छी है लॉन्ग टाइम तक के लिए। तो आरिफ भाई, एक बार इसका प्राइस और साइज बता दीजिए व्यूअर्स को। 2.5 इंच का साइज है इसका, आप लोग को 1400 रुपीज पैर में आपको मिल जाएगी। आरिफ भाई, सेकंड वैरायटी की डिस्कस फिशेस दिख रही है, तो ये क्या साइजेस में है और कौन सी वैरायटी की डिस्कस फिश है और क्या प्राइस है इनका? यहाँ पे आप लोग को जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है इसके अंदर चेकरबोर्ड डिस्कस एंड स्नेस्किन लेपर्ड और टर्कवाइज मिक्स में लॉट मिलेगा आपको। 3 इंचेस का साइज है आपको, 750 रुपीज पर पीस के हिसाब से 1500 रुपीज पैर में आपको मिल जाएगी। और आरिफ भाई, इसका जो भी अगर लेता है तो आप उसको गाइडेंस देते हैं कि अगर जो भी डिस्कस का पहले बार सेटअप कर रहा है तो आप उसको गाइडेंस देते हो? डिस्कस का नॉर्मली सेटअप करने के लिए आपको ज़्यादा करके आप मेरे हिसाब से आप इसको बैर बॉटम में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप बिगिनर हो, आप नए मच्छी आप डिस्कस पाल रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप बैर बॉटम में फिशेस रखें। क्या होता है कि आपको अगर नॉर्मली आप मेडिकेशन वगैरह करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकंड में मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोग इसके लिए पावर फिल्टर नहीं यूज़ कर सकते, आपको नॉर्मली स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करना है। जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में आपको नजर आ रहा है मेरे टैंक के अंदर मैंने स्पॉन्ज फिल्टर लगाया हुआ हूँ, तो ये स्पॉन्ज फिल्टर लगाने से आपकी मच्छी जो स्ट्रेस में नहीं जाएगी और आपका फ्लो लगने की वजह से मच्छी स्ट्रेस में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोग नॉर्मली स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ किए, बाकी इसके ऊपर भी मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा डिस्कस के ऊपर। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो डिस्कस टैंक कैसे सेटअप करते हैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा। तो आगे देखते हैं तीसरी वैरायटी की डिस्कस फिश है यहाँ पे। तो आरिफ भाई, ये वाले टैंक के अंदर क्या साइज में है और कौन सी वैरायटी की डिस्कस फिश है? 3.5 इंच के 4 इंच के साइज में डिस्कस है ये वाले। इसके अंदर स्पॉटेड लेपर्ड वगैरह, स्नेस्किन लेपर्ड वगैरह मिक्स में वैरायटी है इसके अंदर। तो ये वाले आपको 1250 रुपीज पर पीस के हिसाब से 2500 रुपीज पैर में आपको मिल जाएगा ये वाला। 2500 फॉर अ पैर में फिश दिख रही है, आरवाना फिश है। तो इसके अंदर कौन से टाइप की आरवाना फिश है और क्या प्राइस है और क्या साइज है इसका? यहाँ पे आपको अरवाना की वैरायटी जो नजर आ रही है आपके वीडियो में वो आप लोग देख सकते हैं। ये सिल्वर अरवाना है, सिल्वर अरवाना की टेल और पल अरवाना की टेल में डिफरेंट टाइप्स का थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंट होता है। तो आप लोग ये सिल्वर अरवाना 12 इंचेस का आपको 2200 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिलेगा, 2200 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको ये सिल्वर अरवाना मिल जाएगा।
और उसके बाजू के टैंक में है दिख रही है वो शायद से पर्ल अरवाना है। हाँ ये सेकंड में आपको ये जो मैंने बताया था दोनों में डिफरेंट टेल का जो बताया था आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये पल अरवाना का जो है टेल राउंड में होता है और सिल्वर का लॉन्ग में होता है लंबा सा होता है, तो ये दोनों में डिफरेंट है। तो येलो का पल अरवाना का भी प्राइस आप लोग को बता देता हूँ मैं, पल अरवाना बाय करेंगे तो आपको 5000 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से आएगा, 6 इंचेस का साइज है इसका। ओके और वो बाजू के टैंक में जो सिल्वर टैंक सिल्वर अराना के जो टैंक में है बाकी दूसरे कौन से फिशेज आ रही है उसके अंदर? मैंने डॉलर रखा हूँ या डॉलर मिनिमम एक 3 से 4 इंच का साइज है लोग का, अगर आप पेयरिंग में लेंगे तो 500 रुपीज पेयर में आपको आ जाएगा। और जो डेटनॉइड है छोटे वाले अमेरिकन डेटनॉइड से अमेरिकन डॉटनेस आपको 600 इंच में मतलब 1200 रुपीज पेयर में मिल जाएगा। डेटनॉइड 1200 फॉर अ पेयर में आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वराइटीज की देख रहे हैं कलरफुल फिशेज आ रही है, ये कौन से फिशेज है? यहाँ पे पैरेट की वैरायटी है, पैरेट की वैरायटी आप लोगों को येलो वाला पैरेट लेंगे 600 फॉर पैर में, एंड येलो वाला मतलब रेड पैरेट लेंगे 600 फॉर पैर में, येलो वाला लेंगे तो आपको 700 फॉर पैर में मिल जाएगा, 700 फॉर पैर। और उसके बाजू के टैंक में भी पैरेट्स दिख रहे हैं आरिफ भाई, तो ये वाले कौन से पैरेट्स हैं? यहाँ पे मेरे पास हार्ट शेप पैरेट है अच्छी क्वालिटी के, ए ग्रेड के पैरेट है ये, हार्ट शेप पैरेट आपको 900 फॉर पैर में मिल जाएगा, येलो एंड रेड सिमिलर प्राइस में मिलेगा। येलो का साइज थोड़ा सा इनसे बड़ा है, छोटे साइज से बड़ा है, और इसके अलावा आप ये देखिए ये जो छोटा साइज का आपको फ्लोहॉन है वो छोटे साइज का शॉर्ट बॉडी आपको 400 फॉर पैर में मिल जाएगा। और एक डिफरेंट साइज के और डिफरेंट पैटर्न के पैरेट फिश देख रहा हूँ मैं, तो ये कौन से पैरेट फिश है और क्या साइज है इनका और क्या प्राइस रहेगा? ये येलो का साइज मिनिमम 6 से 7 इंच का साइज है, ये टाइगर पैरेट है, टाइगर पैरेट में येलो और रेड पैरेट दोनों अवेलेबल है मेरे पास, तो आप लोग देखेंगे येलो का साइज भी अच्छा क्वालिटी ए ग्रेड का माल है ये अच्छे क्वालिटी का, ये वाला आपको 3500 रुपीज पैर में मिल जाएगा, 3500 फॉर अ पैर। तो आरिफ भाई येलो और रेड का दोनों का सेम प्राइस है? दोनों का सिमिलर प्राइस है। तो आरिफ भाई यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट वैरायटी की ऑस्कर फिश दिख रही है, तो ये कौन सी ऑस्कर फिश है? ये ऑस्कर टाइगर ऑस्कर है, ये टाइगर अच्छी क्वालिटी का ऑस्कर है, आप लोग को लेंगे तो ये 300 फॉर पैर में आपको मिल जाएगा, 300 फॉर अ पैर। सेकंड टाइप की वैरायटी है ऑस्कर फिश की, तो ये कौन सी वैरायटी है? यहाँ पे आप लोग को जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है इसके अंदर मोज़ेक ऑस्कर, अल्बिनो ऑस्कर एंड रेड ऑस्कर, रेड फायर ऑस्कर है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग का इसका साइज मिनिमम 3 इंच इसका आपको लेंगे तो ये 400 फॉर पैर में आपको मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी का इम्पोर्ट ऑस्कर है ये। और उसके बाजू में एक बड़े साइज की ऑस्कर फिशेज दिख रही है, तो वो कौन सी फिशेज है, वैरायटी है और क्या प्राइस है? बड़े साइज के ऑस्कर ये जो है मैंगो ऑस्कर, कॉपर ऑस्कर और फायर रेड ऑस्कर है इसके अंदर, ये वाला इसका मिनिमम साइज रहेगा 6 इंच प्लस साइज है लुक का, ये वाला आपको 500 इंच में पड़ेगा, इम्पोर्टेड वैरायटी का ऑस्कर है, काफी अच्छे कलर है लुक के और बहुत हेल्थी फिश है। फर्स्ट वैरायटी की गोल्ड फिश दिख रही है, तो इसकी ये टैंक के अंदर कौन सी वैरायटी की गोल्ड फिश है और क्या साइज है और क्या प्राइस है इनका? यहाँ पे आप लोग को जो नजर आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो ये वाले गोल्ड फिश वरांडा गोल्ड फिश है, वरांडा गोल्ड फिश में रेड कैप एंड वरांडा गोल्ड है इसके अंदर, इलो का प्राइस मैं आप लोग को बताया था 300 रुपीज फॉर पैर में आपको मिल जाएगा, और स्मॉल साइज का वरांडा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन के अंदर, स्मॉल साइज का वरांडा छोटे वाला नानो, ये वाला आपको 150 फॉर पैर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अरे भाई सेकंड वैरायटी के गोल्ड फिशेस दिख रहे हैं, तो ये टैंक के अंदर कौन सी वैरायटी के गोल्ड फिश है, क्या साइज है, क्या प्राइस रहेगा और कौन सी टाइप की फिश है? गोल्ड फिश के अंदर भी काफी सारी जात आती है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज के आते हैं, तो आप लोग पे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये वाली वैरायटी जो है इसको बोलते हैं कैलिको, कैलिको गोल्ड, ये वाला काफी अच्छा है, बटरफ्लाई टेल में है, बड़े साइज की टेल है लुक की, काफी ज्यादा खूबसूरत है लुक का कलर भी, तो ये वाले आपको समथिंग 800 रुपीज फोर पैर में आपको मिल जाएगा ये। और बाकी के गोल्ड फिश का भी प्राइस बता दीजिए। और सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे पल्स स्केल है, पल्स स्केल भी काफी वेल टेल क्वालिटी का अच्छा क्वालिटी का पल्स स्केल है, तो आप लोग को ये वाला भी 800 रुपीज का पैर में आएगा, लोग का साइज मिनिमम 4 से 5 इंच। और सेकंड में आप लोग को नजर आ रहे अच्छे क्वालिटी की वरायटी का गोल्ड है, गोल्ड में बहुत सारी वरायटी आती है, मैं आपको गोल्ड के ऊपर एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कौन से टाइप्स के गोल्ड आते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके आपके स्क्रीन के ऊपर वरांडा में लाइन हेड है, काफी अच्छा फुल जेली वाला वरांडा गोल्ड है, ये वाले भी अवेलेबल है उसके अंदर, और इसके अलावा रेड कैप जो अच्छी क्वालिटी की काफी ज्यादा अच्छी ये लोगों को जेली है, ये वाली वैरायटी भी अवेलेबल है, तो इन लोग के प्राइस समथिंग आपको 600 फॉर पैर में मिल जाएगा, बिगर साइज में है 4 से 5 इंच के साइज में। तीसरी वैरायटी की गोल्ड फिश है, तो ये कौन सी गोल्ड फिश है? यहाँ पे दो टाइप्स की गोल्ड है इसके अंदर, शुभम किन एंड गोल्ड, गोल्ड के अंदर मैंने आप लोग को बोला था कि गोल्ड के अंदर स्टार्टिंग होता है, नॉर्मल गोल्ड से स्टार्ट होता है, वेल्टेल में होता है, वरंडाज में होता है, कैलिको में होता है, पल्स स्केल में होता है, और अच्छे पांडा गोल्ड में होता है, ट्राई कलर में होता है, डबल कलर में होता है, बहुत सारी वैरायटीज में गोल्ड आते हैं, तो ये नॉर्मल गोल्ड है, नॉर्मली 80 रुपीज को पैर में आ जाएगा, मिनिमम 3 इंचेस का साइज है लोग का, 80 रुपये जोड़ी में शुभम किन एंड गोल्ड आपको दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट वैरायटी की फिश दिख रही है, ये कौन सी फिश है?
यहाँ पे कोई कार्प बोलते हैं इसको, ये बटरफ्लाई कोई है इसके अंदर। बटरफ्लाई कोई का मतलब होता है जिसकी टेल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है और जब मूविंग करती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसके अंदर वनीला मिल्की कोई बोलते हैं इसके अंदर, और डबल कलर में ट्राई कलर में भी इसके अंदर कोई है। ये वाली आप लेंगे तो आपको समथिंग 1800 रुपीज़ फोर पैर में मिल जाएगी। वेल्टेल बटरफ्लाई कोई अगर आप रखना चाहते हो तो आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगाना है, ब्लैक कलर की सैंड डालना है, और आपको व्हाइट वाली बटरफ्लाई कोई, ओनली फॉर बटरफ्लाई कोई डालना है। आपका सेटअप रेडी हो जाता है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे आरिफ भाई मेरे को और एक वैरायटी की फिश दिख रही है, तो ये कौन सी फिश है? ये आप लोग को पता ही रहेगा, बहुत सारे लोग जो हॉबीस्ट है, जो आप लोग मच्छी पालते हैं, बहुत सारे कई सालों से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को ये भी पता रहेगा कि गप्पीज है। गप्पीज नॉर्मल इंसान के दिमाग में जब जहन में गप्पी आती है तो कुछ अलग टाइप्स की आती है, तो ये काफ़ी अच्छी कलर में और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिक्स लॉट में गप्पी है। कोबरा एंड टक्सीडो, रेड टक्सीडो और मिक्स में लॉट है, तो मेल फीमेल दोनों इसके अंदर। आप अगर डजन में लेना चाहते हो तो आपको 300-400 डजन में मिल जाएंगे। इस टैंक के अंदर कौन सी वैरायटीज है आरिफ भाई? यहाँ पे आप लोग को नजर आ रही है कार्डिनल टेट्रा है। कार्डिनल टेट्रा देखिए, तो कार्डिनल टेट्रा और नियॉन टेट्रा में सिमिलरिटी आप लोग को पता ही है, बहुत से लोग काफी सालों से वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये भी पता रहेगा। कार्डिनल के अंदर जो रेड लाइन जो बॉटम की रहती है वो फुल लाइन होती है, और नियॉन टेट्रा में हाफ लाइन रहती है, तो ये कार्डिनल है। कार्डिनल बड़ा साइज का है मेरे पास, मिनिमम एक इंच साइज है लोग का, तो ये वाला आपको 600 फॉर डजन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई गप्पीज वगैरह है, व्हाइट टेक्सिडो गप्पी है, ब्लू टोपाज मिक्स के अंदर इसके अंदर वैरायटी है, तो ये वाले आपको 900 फॉर डजन में मिल ये जाएगी। टैंक के अंदर कौन सी वैरायटीज आ रही भाई? यहाँ पे टेट्रा फैमिली है इसके अंदर, यहाँ पे सफी टेट्रा, वेल्टेल में नियॉन रेम्बो है, पोस्टा टेट्रा है इसके अंदर, और ब्लैक फैंटम टेट्राज है। इन लोग के प्राइजेस मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप पेयरिंग में लेते हो तो लोग का डिफरेंट प्राइस हो जाता है। मैं आप लोग को डजन के प्राइस बता रहा हूँ, अगर आप पेयरिंग में लेंगे तो फिर बोलना मत कि भाई इतने में आप डजन दे रहे हो, इतने में पेयरिंग दे रहे हो। पेयरिंग में प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं आप लोग को प्राइजेस बता देता हूँ नॉर्मली डजन का। अगर आप ब्लैक फैंटम लेना चाहते हैं तो आपको 300-400 डजन में आ जाएगा। पोस्टा टेट्रा लेगे आपको 900 डजन में मिलेगा, और सर्फी टेट्रा लेगे आपको 500 डजन में मिलेगा, नियॉन रेम्बो लेगे आपको 450 डजन में मिल जाएगा। तो आरी भाई इस टैंक के अंदर भी काफी सारे मिक्स वैरायटीज ऑफ टेट्रास दिख रहे हैं, तो ये टैंक के अंदर कौन से टेट्रास हैं? यहाँ पे भी मिक्स लॉट है, हॉकी टेट्रा है, रमिनोस टेट्रा है, मॉन्टेमिनो है इसके अंदर, एम्परर टेट्रा है, तो अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर टेट्रा है। ब्लैक नियॉन भी आपको नजर आ रहे हैं आपके वीडियो में स्क्रीन में, आप लोग को प्राइस बता देता हूँ इसका मैं। हॉकी टेट्रा लेंगे आपको 350 रुपये डजन में आएगा, बड़ा साइज है इसका। मॉन्टेमिनो लेंगे 300 रुपये डजन में आएगा, बड़ा साइज है। रमिनोस टेट्रा लेंगे आपको 450 डजन में आएगा, बड़ा साइज है इसका भी। और आप लोग ब्लैक नियॉन लेंगे आपको 400 डजन में आएगा, बड़े साइज में आएगा। स्मॉल साइज के जो एकदम छोटी छोटी साइज में आते हैं तो बहुत चीपेस्ट प्राइस में आते हैं, लोग के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो भाई ये टैंक के अंदर मैं देख रहा हूँ काफी ग्लोइंग फिशेज है, तो ये कौन सी ग्लोइंग फिशेज है? यहाँ पे ग्लोइंग विडोज है, ग्लोविंग विडो में मेरे पास अभी 3 से 4 कलर अवेलेबल है, पिंक है, ग्रीन है और ब्लू, कॉस्मिक ब्लू है इसके अंदर, और अल्बिनो जो है टाइगर ग्रीन, टाइगर बाब्स भी इसके अंदर फ्लोरसन में। ये वाले आप डजन में लेंगे तो आपको 400 फॉर डजन में मिल जाएगा। तो इसमें से कोई भी अगर डजन लेते तो 400 फॉर अ डजन में। हाँ, इस टैंक के अंदर आप कोई भी बाय कर सकते हो 400 डजन में। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वैरायटी का मिक्स लॉट ऑफ कौन सी फिश है? मॉली फिशेज है, तो इसके अंदर कौन सी वैरायटीज की मॉली फिशेज है और क्या प्राइस रहेगा, और डजन में लेके तो क्या प्राइस रहेगा? मॉली में मिक्स कलर का ब्रीडिंग स्टॉक में मॉली है, आपने काफ़ी जगहों पे देखा रहेगा मॉली काफ़ी मतलब छोटी साइज़ में और सूखी भी मॉली रहती है, ये एडल्ट साइज में मॉली से ब्रीडिंग स्टॉक में। ये वाले अगर आप डजन में बाई करेंगे तो आपको 184 डजन में पड़ जाएगा, तो आप कभी भी आके बाई कर सकते हैं। तो आरिफ भाई यहाँ पे नेक्स्ट वैरायटी का मिक्स कलरफुल फिशेस दिख रही है, तो ये कौन सी फिशेस है? काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मच्छी है वो, आप लोग नॉर्मली आप इसको छोटे से टैंक में, 1 फीट के टैंक में भी आप इसको रख सकते हैं कलरफुल में। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपको लगाना है, ब्लैक कलर की सैंड नीचे डालो, ब्लैक कलर के स्टोन रख दे आप, तो भी आप ज़्यादा का खूबसूरत लगेगा कलर। ये जेब्रा डेनियो है मिक्स कलर में, जो स्टार्टिंग में लिख रहे थे तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था इसका, तो अभी भी ये मैं आप मेरे पास है बड़ी साइज़ में, एडल्ट साइज़ में आपको 204 डजन में मिल जाएगी। 200 फॉर अ डजन, ओके। तो आरिफ भाई यहाँ पे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ फिश दिख रही है, तो ये कौन सी फिश है? यहाँ पे डेनस वाली बाब है, डेनस वाली बाब, मिस केरला बोलते हैं इसको। एक्चुअली स्मॉल साइज़ में अगर आप डजन में बाई करेंगे तो आपको समथिंग 754 डजन में मिल जाएगा, और पेयरिंग में लेंगे तो 154 पैर में आपको मिल जाएगा। 154 अ पैर एंड 754 अ डजन। तो यहाँ पे आरिफ भाई छोटे साइज में कलर वीडियो टेट्रा दिख रही है, तो ये कौन सी साइज की है और क्या प्राइस है इनका? आपको जो दिख रही है वो कलर वीडियो टेट्रा ही है, आपने सही बोला है, बट उन लोग के जो प्राइजेस है ये स्मॉल साइज में आपको 254 डजन में आपको मिल जाएगी। तो आरिफ भाई ये टैंक के अंदर मेरे को फीमेल बेटा फिशेज दिख रही है, तो ये क्या प्राइस में है? फीमेल बेटा प्लाकट की फीमेल्स ये वाले आपको 200 रुपीज़ में पर पीस पड़ेंगे, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वैरायटी में फीमेल्स। अगर आप कोई ब्रीड करना चाहता है जिसको फीमेल्स नहीं मिल रही है प्लाकट के, तो आप इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी।
तो ये क्या प्राइस आरिफ भाई आपने बोला था? 200 फॉर अ पीस में। ओके यहाँ पे आरिफ भाई नियॉन टेट्रा फिशेस दिख रही है, तो ये क्या साइज और क्या प्राइस है? नियॉन टेट्रा मेरे पास मिलेगा आपको 254 डजन में। अगर आप एक डजन बाय करते हो, नॉर्मली ये मीडियम साइज का है तो आपको ये 254 डजन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अल्बिनो कॉली नजर आ रहा है आपको नीचे बॉटम में। नॉर्मल कॉली जो एकदम बारीक साइज का आता है, स्मॉल साइज का, उससे बड़ा साइज का 1 इंच का साइज है ये कॉली, तो आपको 100 रुपीज़ में पड़ेगा। बट ये नॉर्मल कॉली आप लोग ने देखा रहेगा बहुत सी जगहों पे, एकदम स्मॉल साइज के रहते हैं जो लोकल टाइप्स के होते हैं, वो कॉली में और इस कॉली में बहुत फर्क है। ये कॉरी अच्छे टाइप्स का अल्बिनो ऑर्डाइज है, प्लेटिनम में वाले आपको 100 रुपीज़ फॉर पैर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टैंक में मेरे को सिल्वर डॉलर दिख रहे हैं आरिफ भाई, तो ये क्या प्राइस में? वो डॉलर ही है, वो एक्चुअल डॉलर आप लोग लेंगे तो आपको पड़ जाएगा 304 डजन में। अगर आप हाफ डजन लेंगे तो आपको 204 डजन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आरिफ भाई हमें दिख रही है एंजल फिशेज, तो ये कौन सी एंजल फिशेज है? यहाँ पे स्कार एंजल है मेरे पास अवेलेबल। आप परी टू में जाएंगे तो आपको बहुत सारी टाइप्स के एंजल देखने के लिए मिलेंगे 3 इंच के साइज में। और वहाँ पे बहुत सारी बीएसपी एंजल है, ब्लू एंजल है वहाँ पे, और वहाँ पे आप लोग को मनकापुरम एंजल देखने के लिए मिलेगा, और रेड कोई एंजल है इम्पोर्टेड वराइटीज में, और ब्लैक जेड ब्लैक एंजल, स्मोकी एंजल, बहुत सारी वराइटीज। तो एंजल्स के लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाते हैं, अगर आपको एंजल्स के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अभी डालिए, तो मैं जरूर एक वीडियो बनाता हूँ। तो आरिफ भाई ये जो सामने दिख रही है ये वाली एंजल फिश कौन सी? ये वाली एंजल आपको स्कार एंजल है, ये वाली आप डजन मिलेगा तो आपको 304 डजन में मिल जाएगी। यहाँ पे आरिफ भाई यहाँ पे ये कौन सी अलग फिश दिख रही है, थोड़ी सी अलग है, ये कौन सी फिश है? ये एक्चुअल पाकू पिराना है। पाकू पिराना आप लोग को देखेगा, इसका साइज मिनिमम 3 इंच का है लोग का। ये वाला रेड बेली पिराना नहीं है, मैं आप लोग को हर वीडियो में बोलता हूँ। ये वाला पाकू पिराना ये बैन में नहीं है, ये लीगल में है। ये वाला आप लोग को मिल जाएगा 204 पैर में। 200 फॉर अ पैर में। अगर कोई डजन खरीदना चाहता है तो डजन के प्राइजेस थोड़े से अलग हो जाते हैं, आप मुझसे आके रब्ता कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। अगर आपको डजन में चाहिए तो आरिफ भाई से कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और आपको आरिफ भाई प्राइस दे देंगे। अरे भाई ये टैंक के अंदर कौन सी फिशेज है? यहाँ पे गुरामी की वैरायटी है। गुरामी में आप लोगों को ये किसिंग गुरामी, नॉर्मल ब्लू गुरामी और गोल्डन गुरामी नजर आ रही, ये वाली आपको 80-70 रुपीज़ पैर में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीचे बॉटम में देखेंगे तो आप लोग को प्लैको नजर आ रहा है। प्लैको में ब्लैक प्लैको एंड वाइट वाली सकर बोलते हैं उसको, प्लैको को, वो वाली आपको मिल जाएगी 60 रुपये से स्टार्ट है पैरिंग में, आपको 150 रुपीज़ तक का पैर में मिल जाएगा। ओके तो आरिफ भाई ये कौन सी फिश है जो एकदम यूनिक दिख रही है? यहाँ पे ब्लैक गोस्ट है, इसको फेदर फिश भी बोला जाता है। ब्लैक गोस्ट हर सीजन में नहीं मिलता है, इसका एक सीजनल होता है ये ब्लैक गोस्ट का। ये वाला मेरे पास 3 इंच का साइज है लोग का, आपको 300 फॉर पैर में मिल जाएगा। 300 फॉर अ पैर। अगर कोई डजन में खरीदना चाहता है तो डजन के प्राइजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और मैं जितने भी मेरे पास होलसेल के प्राइजेस है मैं एक्चुअल वीडियो में शेयर नहीं करता हूँ। क्या होता है कि छोटे मोटे शॉपकीपर लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको होलसेल में फिशेस चाहिए तो। होलसेल में चाहिए तो आरिफ भाई से कांटेक्ट करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे आरिफ भाई मेरे को बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज दिख रही है अंदर, तो इसके अंदर कौन सी वैरायटीज है और क्या प्राइसेस रहेगी ये पॉट प्लांट्स की, जरा बताइए अपने व्यूअर्स को। पॉट प्लांट में मेरे पास 10 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं इसके अंदर। यह वाले स्टार्टिंग में मेरा प्लांट 60-75 रुपीज़ पॉट के हिसाब से आता है इसके अंदर में। ये वाले आप नॉर्मली इसको मैं जो आपने देखा आपको पॉट के अंदर नज़र आ रहे रह गई है, ये एक्चुअल सेलिंग के लिए सिर्फ ओनली फॉर ये पॉट में रखा जाता है। बट इसको आप जब भी बाय करते हो तो आपको इसको निकाल कर सॉइल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये सर्वाइव नहीं करते पॉट के अंदर, ओनली फॉर ये सेलिंग के लिए इस टाइप में इसको रखा गया है। तो इसका एक एक करके आप प्राइस बताएंगे कौन सा और उसका नाम भी बताइए। यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए कि आप लोग को ये प्लांट नज़र आ रहे हैं लुक के अंदर, अलग अलग टाइप्स के मतलब स्क्रू ग्रास है इसके अंदर। यहाँ पे देखेंगे एक्वारोज है, यहाँ पे देखेंगे पिकनिक ग्रास है, यहाँ पे रेडमिंट है, यहाँ पे अम्बुलिया है, ये प्लांट देखेंगे इसके ग्रास प्लांट में वैरायटी है ये। इसके अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर वैरायटीज़ है मेरे पास पॉट प्लांट के, 60 रुपये से स्टार्ट है, 75 तक का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मेरे पास स्टेम प्लांट्स भी अवेलेबल है। अगर आपके टैंक में आप नॉर्मली सैंड वगैरह डाले तो वो जो नॉर्मल मैंने जो पॉट प्लांट बताया था वो उसके और इसके वैरायटी में बहुत डिफरेंट वैरायटी है। इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स के वैरायटी मेरे पास 15-20 वैरायटी के प्लांट्स इसके अंदर अवेलेबल है। ये वाले आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, 150 के रेंज में आपको प्लांट मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप नॉर्मली प्लांटेड टैंक सेटअप करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है विदाउट CO2 का, ओनली फॉर फर्टिलाइजर लिक्विड एंड कार्बन प्लस यूज़ करके आप इसको बना सकते हो। ओके तो आरिफ भाई मेरे को यहाँ पे पाउचेस में एक अलग टाइप की प्लांट्स दिख रही है, ये कौन से प्लांट है? यहाँ पे ये प्लांट्स आपको आपके स्क्रीन में नजर आ रहा है, इसको हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं। हॉर्नवर्ड प्लांट्स एक्चुअल श्रिम्स के लिए एंड गपी ब्रीडिंग के लिए, लाइव बैरर के लिए बहुत बेस्ट है ये। आप इसको फ्लोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
ये प्लांट फ्लोटिंग में यूज होगा और काफी ज्यादा आपने देखा रहेगा बहुत सी जगहों पे ये फ्लोटिंग होने वाला प्लांट है, इसको हॉर्नबर्ट बोलते हैं। ये आपको 100 रुपीज पाउच में मिल जाएगा। ये मेरे पास है अभी, वराइटीज अवेलेबल देखेंगे। ये लिमिटेड स्टॉक है तो जिसको चाहिए वो आरिफ भाई के पास आके और ले सकते हैं 100 रुपीज फॉर अ पाउच। यहाँ पे मेरे को एक फ्लावरन टाइप की फिश दिख रही है, तो ये कौन सी फ्लावरन है? ये एक्चुअली ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये वाली थाई सिल्क है। थाई सिल्क एक्चुअल बहुत रेयर वैरायटी है और जल्दी मिलती नहीं है। पहले स्टार्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, आज से समथिंग कुछ 6-8 साल पहले की बात है जब नया स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, तो इसके प्राइजेस उस टाइम पे इतने हाई थे कि लोग अफोर्डेबल भी नहीं रहते थे उस टाइम पे। अगर जिस टाइम पर स्टार्टिंग में जब फ्लावर स्टार्ट हुआ था तभी इसका प्राइस समथिंग 5,000, 6,000, 7,000 रुपये का रेट में आता था। अभी इसका ओनली फॉर प्राइस आपको 1,800 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से आएगा। और जो पीछे फ्लावर ऑन फिश दिख रही है आरिफ भाई, वो कौन सी फ्लावर ऑन है और क्या प्राइस है? एसआरडी मोस्टर कॉक हेड है, वो वाला भी आपको 1,800 पर पीस के हिसाब से मिलेगा। 1,800 फॉर पर पीस। एक और वैरायटी की फ्लावर ऑन फिश दिख रही है, काफी अच्छा हेड है उसका, तो ये कौन सी फ्लावर ऑन फिश है? मोस्टर कॉक में ट्रिपल ए ग्रेड का फ्लावर है ये वाला आपको 2,000 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिलेगा। मेरे पास स्टार्टिंग में मैं आप लोग को बता देता हूँ, बेबी से लेके 200 रुपीज से लेके 1,500 रुपए बाद में, और उसके बाद 2,000 के रेंज तक के मेरे पास फ्लावर अवेलेबल है आपके पास, तो ये 2,000 रुपीज फॉर अ पीस आ जाएगा। अरे भाई, ये टैंक के अंदर काफी ब्यूटीफुल फिश दिख रही है, ये कौन सी फिश है? ये डेनासोनी बाप है। डेनासोनी बाप मेरे पास 3 इंचेस का साइज में आपको 125 इंच के हिसाब से पड़ेगा, 254 पैर में लेगा आप। ये प्लांटेड का मच्छी है, नॉन एग्रेसिव में आता है, किसी मच्छी को मारता नहीं, हार्मफुल नहीं है ये। आप इसको टेट्रा के साथ में भी रख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। लोअर कलर जब सेट होने के बाद इन लोग के बॉडी पे हाफ रेड लाइन आता है और उसके टेल पे जो येलो कलर के डॉट है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो आप इसको प्लांटेड के टैंक में डाल सकते हैं। तो ये क्या प्राइस बोला रही है आपने इसका? 254 पैर में आएगा, डजन में लेगा 1,200 फॉर डजन में आपको मिल जाएगा। तो आरिफ भाई, ये टैंक के अंदर मेरे को काफी खूबसूरत फिशेस दिख रही है, तो ये कौन सी वैरायटीज की फिश है? यहाँ पे आप लोग को 3 टाइप्स की फिशेस एक ही टैंक के अंदर देखने के लिए मिलेगी। स्कूलिंग फिश है, सबका अलग अलग ग्रुप बनाकर घूम रहे हैं। ऊपर के साइड में आपको अर्ली क्वीन रासबोरा नजर आ रहा है, उसके मिडल के साइड में देखेंगे आपको अम्बर टेट्रा नजर आ रहा है, उसके बॉटम के साइज में देखेंगे आपको ब्लैक फैंटम नजर आएगा। ये तीनों भी एक ही टैंक के अंदर है, बट स्कूलिंग अलग अलग टाइप से अपनी जगहों पर घूमते रहते हैं। तो मैं आप लोग को प्राइस बताता हूँ, लिक्विड रसबोर आपको 754 डजन में मिल जाएगा, एम्बर टेट्रा आपको मिल जाएगा 454 डजन में, और ब्लैक फैंटम आपको मिल जाएगा 354 डजन में। तो आरिफ भाई, नेक्स्ट टैंक के अंदर अपने को एक फिश दिख रही है, तो ये कौन सी फिश है? ये मोनो एंजल है। मोनो एंजल आप अगर डजन पे बाय करेंगे तो आपको 1,200 फॉर डजन में मिलेगा, पैरिंग मिलेगा तो 254 पैर में मिल जाएगा। 254 अ पैर, ओके। तो आरिफ भाई, ये टैंक के अंदर मेरे को श्रिम्प दिख रहे, तो इस टैंक के अंदर कौन से टाइप की श्रिम्प है और क्या साइज है और क्या प्राइस है और कैसा क्या है, जरा व्यूवर्स को बताइए अपने। यहाँ पे रेड चिली श्रिम्प है इसके अंदर, ये वाला रेड में श्रिम्प आप लोग को डजन में लेंगे तो आपको 600 फॉर डजन में मिलेगा। इसके अंदर रेड एंड ब्लू कलर दोनों अवेलेबल है मेरे पास, अगर आप पेयरिंग में लेंगे तो 154 पेयर में आपको मिल जाएगा। तो आरिफ भाई, इसको फीड क्या देना चाहिए? नॉर्मली जिस तरह से मैंने देखे रहे कि आप, मैंने पालक का पत्ता डाला हुआ हूँ यहाँ पे, आप लोग भी पालक का पत्ता डाल सकते हैं। अगर आपके लिए कोई फूड मिल नहीं रहा है तो नॉर्मली आप इसको ये फूड डाल सकते हो। अगर आपको फूड, अगर आपको कुछ खिलाना चाहते हो तो आप इसको इंस्टिंक्ट फूड भी डाल सकते हो, जो टेट्रास को डालते हुए वाला। इसके अलावा आप इसको जैसे कि एल्गी वेफर्स भी डाल सकते हो खाने के लिए। ओके आरिफ भाई, सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आपको काफी सारी वैरायटीज ऑफ फिशेस दिखा चुके हैं आरिफ भाई, जो भी नया स्टॉक आया हुआ है। अगर आपको स्टॉक पसंद आया, कौन सी फिशेस पसंद आई है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको कैसे फिशेस लगी। अगर आपको फिशेस खरीदनी है तो हमारे पास है आरिफ भाई। आरिफ भाई, अगर कोई फिशेस ऑर्डर करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? फिशेस ऑर्डर करने से पहले आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो मेरा जो प्राइजेस है, शिपिंग प्राइजेस है, वो शिपिंग प्राइजेस आप लोगों को पहले जानना है कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, कौन से स्टेट में, तो आपको शिपिंग प्राइसेस बाय करना है। डिपेंड आप जहाँ पे रहते हो, दिल्ली, पंजाब या कोई भी स्टेट में, कर्नाटका या फिर हैदराबाद में, किधर भी आप लोग फिशेस बाय कर सकते हैं। बट आप लोगों को प्रॉब्लम यही होता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग के मामले में पब्लिक थोड़ी सी पीछे हट जाती है। तो एक नॉर्मली एक बजट बना लीजिए कि भाई मुझे इतना फिशेस खरीदना है तो इतना चार्जेस लगेगा। नॉर्मली एक तो 600-700 रुपये के रेंज में चार्जेस लगता है ये नॉर्मली। अगर ज़्यादा लंबा जर्नी रहेगा तो समथिंग थोड़ा सा चार्जेस बढ़ जाता है। तो जिसको भी चाहिए तो आप फिशेस लो, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप आतिक भाई, आरिफ भाई का नंबर मैंने डाला है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं एनी टाइम उनको। एनी टाइम मतलब कभी भी फ़ोन नहीं कर सकते, रात को उनको डिस्टर्ब मत करिए। सुबह 10 बजे से रह के रात के 7-8 बजे तक वो कॉल रिसीव कर सकते हैं, 8 बजे के आसपास, तो आप फिशेस ले सकते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहे और नए नए जो है मेरे पास फिशेस और नई नई वैरायटीज देखने के लिए आप लोगों को मिले। नॉलेजेबल वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर मैं, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और मतलब घंटी के आइकॉन को, बेल को आप बजा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़।
टिल देन कीप वॉचिंग ओवर फिश, और जो भी नया वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। टेक केयर, बाय।